हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में पंचम पाठ कंटकेन एव कंटकम पढ़ेंगे, जिसका तात्पर्य है कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रवृत्ति का है, हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सर्वप्रथम हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में देखिए, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। मध्य प्रदेश का एक डिंडोरी जिला है, वहाँ पर प्रधान एक जाति विशेष के लोग हैं, इनके बीच में प्रचलित एक लोक कथा है। क्या? कंटकेन एव कंटकम जो कहानी है वो एक प्रकार की लोक कथा है, जो कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधान जाति के जो लोग हैं उनमें अधिक प्रचलित है। सर्वप्रथम हम इन प्रधान जाति के जो लोग हैं उनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। प्रधान जाति के जो लोग थे वे गोंड राजाओं की वंशावली और कथा का गायन आदि करने का कार्य करते थे, लेकिन बाद में जब गोंड राज्य समाप्त हो गया तब ये गायक लोग अपने द्वारा गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र आदि बनाने लगे। इस समुदाय के विषय में और भी अधिक यदि जानना हो तो इसके लिए आप वन्य प्रकाशन भोपाल के द्वारा एक प्रकाशित पुस्तक है जिसका नाम है जनगढ़ कलम, इसके द्वारा आप प्रधान जाति एवं गोंड साम्राज्य के विषय में और भी अधिक जान सकते हैं। प्रस्तुत कहानी के संकलनकर्ता हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी हैं। यह एक प्रकार की लोक कथा है। अब लोक कथा क्या होती है वो भी हम समझ लेते हैं। लोक कथा का तात्पर्य होता है जिसमें सामाजिक जीवन की एक सजीव झांकी दिखाई देती है, जो लोगों में अधिक प्रचलित होती है, लोगों के द्वारा जो सुनी जाती है। इस प्रकार की जो ये लोक कथाएं होती हैं उनमें क्षेत्र विशेष में थोड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस ये जो कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, लोक कथा का गायन आदि करने वाले, ये एक स्थान पर रहकर ये कार्य नहीं करते। इस कारण से लोक कथाएं किसी एक भाषा या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती हैं। लोग जगह जगह घूमकर इनका प्रचार प्रसार आदि करने का कार्य करते हैं। इस कारण से एक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में जो लोक कथा का जो वास्तविक स्वरूप है उस पर थोड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए, यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। प्रस्तुत कहानी पंचतंत्र शैली में लिखी गई है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा हैं। इस कथा में ये स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। कंटकेन एव कंटकम कहानी में ये बताया गया है कि जब व्यक्ति के ऊपर संकट आए तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपनी चतुराई से, अपनी प्रत्युत्पन्न मति से, अर्थात जब संकट उत्पन्न हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में उसका समाधान करने की तुरंत बुद्धि उसमें जो उत्पन्न हो जाती है वो प्रत्युत्पन्न मति कहलाती है, तो उसके द्वारा व्यक्ति संकट से बच सकता है। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए इसका। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। कश्चित कोई, चंचलो नाम व्याध है, चंचल नामक शिकारी। व्याधे का तात्पर्य क्या हो जाएगा? शिकारी। आसीत था, कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति। इसमें पक्षी मृगादीनाम, पक्षी और मृग, मृग अर्थात जानवर आदि को ग्रहणेन पकड़ करके, ग्रहण करके सह वह स्वीयां जीविकां अपनी जीविका का निर्वाहयति, इसमें निर्वाह करता था। पक्षियों जानवरों आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था या अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा, एक दिन सह वह जालम विस्तीर्य, जाल को फैला करके, विस्तीर्य फैला करके, गृहम आगतवान घर आ गया। एक दिन वह वन में जाल फैला करके घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचले वनम गत्वान् तदा से दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद् एक व्याघ्र बद्ध आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे, अन्यस्मिन् दूसरे दिवसे, दिन दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा जब, चंचले वनम गत्वान् चंचल वन गया, तदा तब सह उसने दृष्टवान् देखा यत् कि तेन विस्तारिते उसके द्वारा फैलाए हुए जाले जाल में,
दुर्भाग्याद दुर्भाग्य से एक व्याघ्र एक बाघ बाघ अर्थात शेर बद्ध आसीत बंधा हुआ था। दूसरे दिन प्रातःकाल जब चंचल वन गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत सह अचिंत्यत सह वह अचिंत्यत विचार करने लगा, वो सोचने लगा व्याग्रह माम खादिष्यति, व्याग्रह बाघ माम मुझे खादिष्यति खा जाएगा, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम पलायन करना चाहिए। ये जो करणीयम शब्द है उसमें क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है, अनियर यह अनियर प्रत्यय चाहिए अथवा योग्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो क्या कहता है वो, सह चिंतित वह विचार करने लगा कि बाघ मुझे खा जाएगा इसलिए पलायन करना चाहिए अर्थात भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत भो मानव, व्याघ्र निवेदयत बाघ निवेदन करने लगा, क्या निवेदन करता है भो मानव, अरे मानव कल्याणम भवतु ते कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याणम भवतु कल्याण हो, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम् त्वां न हनिष्यामि, यदि त्वं यदि तुम माम मुझे मोचिष्यसि मुक्त करोगे, मोचिष्यसि मुक्त करोगे तरही तो अहम मैं त्वाम तुम्हें न हनिष्यामि नहीं मारूंगा, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आगे देखिए, तदा स व्याद है व्याघ्रम जालात बही निरसारयत, तदा तब तदा एक अव्यय शब्द है, स व्याद है वह शिकारी व्याघ्रम बाघ को जालात बही जाल से बाहर निरसारियत निकालता है, तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकालता है। व्याग्रह क्लांत आसीत, व्याग्रह बाघ क्लांत अर्थात थका हुआ, आसीत था बाघ थका हुआ था। सो अवदत सह अवदत वह बोला भो मानव पिपासु अहम, भो मानव अरे मानव अहम पिपासु अहम मैं पिपासु प्यासा हूँ, अरे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय मम पिपासा समय, नद्या नदी का जलम जल, ये जो जलमानीय शब्द है उसमें दो शब्द हैं जलम और आनीय, जलम जल आनीय, आनीय में आ उपसर्ग है, नी धातु है, नी नय और ल्यप प्रत्यय है, तो आनीय का तात्पर्य होता है ला करके, नदी का जल ला करके। मम मेरी पिपासा, पिपासा को प्यास को समय शांत करो या बुझाओ, नदी का जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र बाघ जलम पीत्वा जल पी करके पुनः फिर, पीत्वा शब्द में पा अर्थात पिब धातु है और कत्वा प्रत्यय है। बाघ जल पीकर पुनः, नेक्स्ट देखिए, व्याधम अवदत समय में पिपासा, जल पी करके व्याघ्र किससे बोलता है, शिकारी से बोलता है। व्याधम अवदत शिकारी को बोला, क्या बोला, मैं पिपासा समय, मैं पिपासा मेरी प्यास, समय बुझ गई शांत हो गई मेरी प्यास बुझ गई। सांप्रितम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रितम इस समय अब, बुभुक्षितो अस्मि भूखा हूँ, इस समय भूखा हूँ कि भाई मेरी प्यास तो बुझ गई लेकिन अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अब अहम त्वाम खादिष्यामि, अहम मैं त्वाम तुम्हें खादिष्यामि खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। क्या कहता है वो, शिकारी से कहता है मेरी प्यास बुझ गई, इस समय भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल बोला अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अहम मैंने
तत्पर कृते तुम्हारे लिए धर्मम धर्म का आचरितवान आचरण किया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया तुम्हारे द्वारा, मिथ्या झूठ भणितम बोला गया, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया कि भाई मैंने तो धर्म का आचरण किया और तुमने झूठ बोला। तुमने पहले क्या कहा था कि यदि तुम मुझे मुक्त करवा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हें मुक्त करवा दिया, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें खाऊंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, त्वम तुम माम मुझे, खादितुम इच्छसि खाना चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। खादितुम में खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है जो कि केली अर्थ में प्रयुक्त होता है। आगे देखिए, व्याग्रह अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, शुद्धार्थाय किमपि ऐकार्यम न भवति, सर्वः स्वार्थः समीहते। देखो क्या कहा उसने, व्याग्रह अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, शुद्धार्थाय, शुद्धा आर्ताय, शुद्धा अर्थात भूख से, आर्ताय अर्थात जो लोग पीड़ित होते हैं, भूख से जो पीड़ित होता है वह व्यक्ति, किमपि कुछ भी, ऐकार्यम न करने योग्य नहीं होता, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं होता, अर्थात कुछ भी गलत नहीं होता उस व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति भूखा है वो कुछ भी कर सकता है, भूखे के लिए कोई भी गलत नहीं है, कोई भी ऐकार्य नहीं है, कोई भी अधर्म नहीं है। क्या कहता है, अरे मूर्ख, शुद्धार्थाय, भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए किमपि ऐकार्यम कुछ भी गलत नहीं है, न भवति नहीं होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है, कुछ भी न करने योग्य नहीं होता है, अर्थात वो कुछ भी कर सकता है अपनी भूख को शांत करने के लिए। सर्व है सभी लोग, स्वार्थ है अपना ही स्वार्थ, अपना ही भला, समीहते चाहते हैं, सर्व है सभी लोग, स्वार्थ है अपना ही भला, अपना ही हित समीहते चाहते हैं, सभी लोग अपना ही हित चाहते हैं।